ऐसे मटर पनीर को बना के देखिए दोस्तों, उंगली चाटते रह जाइएगा, बच्चे बूढ़े जवान सबको बहुत पसंद आएगा। पहले तो हम यहाँ पर पनीर को टुकड़ा टुकड़ा काट लिया और इसको फ्राई कर लेना है ऑयल में। इसी ऑयल में फिर हम बारीक कटी हुई प्याज को फ्राई कर लेना है। इसको जब तक मैं फ्राई कर रही हूँ तब तक चलिए दोस्तों मसाला बना लिया जाए। मसाला के लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, उसमें थोड़ा सा दही, हाफ कप दही हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर इसमें हमें डाल देना है। उसके पहले आपको ये दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि दही में लम्स नहीं रह जाए। अब इस दही और अदरक लहसुन का पेस्ट में हमें डाल देना है जीरा, धनिया, हल्दी पाउडर और लाल मिर्चा का पाउडर, और ये सारा मसाला डाल लेने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। ये मसाला मेरा जाएगा ब्राउन किया हुआ प्याज में। जब तक ये प्याज यहाँ पर लाल हो गया है, अब इसमें ये मसाला मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा मसाला का जो कटोरी है ये धो के आप पानी रख दीजिएगा, बाद में काम आएगा। अब ये मसाला को अच्छी तरह से भूनना है जब तक इसमें से तेल नहीं आ जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने रात भर भिगोई हुई मटर को बॉईल करके रख लिए थे। अब इस मसाला में हमें थोड़ा सा टमाटर का प्योरी या टमाटो आपको बाज़ार से भी मिल जाएगा, उसको आप घर में भी चाहे तो टमाटर का प्योरी बना सकते हो। मैंने यहाँ पर हाफ कप डाल दिए थे। अब इस मसाला को मुझे अच्छी तरह से भूनना है। जब तक ये मसाला फ्राई हो रहा है दोस्तों, तब तक मैं आप सबको बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबने मुझे इतने सारे लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब भी कर रहे हो। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, जो भी इस चैनल पे नए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और पहले से एडवांस थैंक यू। और यहाँ पर देखिए मेरा मसाला कितना अच्छा रंग लाए हैं। मटर पनीर बनाने के जो सामान होता है ना, काफ़ी कम सामान में ये मटर पनीर बन सकता है, और इस तरीक़ा से बनाइएगा तो दोस्तों सबको पसंद आएगा। अब मुझे इसमें मटर डाल देना है। मटर डालने के बाद इसको थोड़ा देर और भूनना है, क्योंकि इसमें जितना आप अच्छी तरह से इसको भूजिएगा ना, उतना इसका रंग निखर के आएगा। अब साथ में हम इसमें पनीर भी डाल देते हैं। चलिए, जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक थोड़ा सा इसको गैस स्लो में रख के इसको फ्राई करना है। और अब हम इसमें पनीर को डाल देते हैं। पनीर डाल के फिर इसको फ्राई करना है थोड़ा देर के लिए। दोस्तों आप सब प्लीज़ बताना हमें कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि ये वीडियो मैं एक हाथ से बना रही हूँ, पका रही हूँ और एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, तो आप समझ ही सक रहे हो कि मेरे लिए कितना मुश्किल है ये वीडियो बनाना। थोड़ा सा तो नीचे से पनीर मटर पनीर थोड़ा कढ़ाई में नहीं लगे, इसलिए बीच बीच में हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे। इसको आप ढक के भी पका सकते हो, बिना ढक के भी पका सकते हो। देखिए कितना अच्छा बन रहा है, रंग भी बहुत अच्छा आया है, एकदम मस्त मस्त। इसके साथ छोले, ये मटर के साथ अगर भटूरे मिल जाए तो क्या बात है। भी अच्छी तरह से बन गया है। अब इसको मैं चूल्हा पर से उतार लूँगी। वाह, क्या इसमें से खुशबू आ रहा है, बहुत बढ़िया इसका फ्लेवर है। आप कभी बना के देखो, फिर हमें कमेंट करना इस तरीक़ा से बनाने से आपका घर में सब कोई पसंद किए ये रेसिपी को, आप सब ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। अब इसमें मुझे थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देना है। ये कसूरी मेथी का एक अलग ही फ्लेवर होता है जो इतना उभर के आता है। थोड़ा सा हरी मिर्ची डाल ले रहे हैं जिनको ज़्यादा पसंद है। दोस्तों नमक डालना तो मैं भूल ही गई थी। चलिए देखिए कैसा बना है।